दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके सीआरटी टीवी के अंदर साउंड निकल रहा है लेकिन पिक्चर नहीं देखने को मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप नो पिक्चर साउंड ओके का जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से ठीक कर पाओगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, एक चाइना का बोर्ड है जो मेरे पास आया है रिपेयर के लिए। तो पहले इसके फॉल्ट देख लेते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। रेड लाइट जल रहा है, साउंड भी आ रहा है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं है। देखिए, कोई पिक्चर ही नहीं है इसमें। फिलामेंट भी नहीं जल रहा है। तो देखते हैं इस बोर्ड में क्या फॉल्ट निकलता है। देखते हैं इसके फॉल्ट की क्या निकलता है इसमें। पहले तो एसटी की सप्लाई चेक करनी है मुझको। देखिए, एसटी की जो सप्लाई है, जो एसटी को ऑन करने के लिए जो सप्लाई होता है वो 16 वोल्ट आ रहा है, जो इसमें 110 वोल्ट आना चाहिए। उसकी नीचे वाली वोल्टेज देखते हैं, जो वर्टिकल सप्लाई और ड्राइवर के लिए है, इसमें 25 वोल्ट है, ये लगभग सही है। उसके बाद जो रेगुलेटर के लिए वोल्टेज निकलता है वो भी देख लेते हैं। देख लीजिए, रेगुलेटर के लिए वोल्टेज निकलता है ये, इसमें 10 वोल्ट है, लगभग ठीक ही है ये भी। उसके बाद साउंड के लिए जो निकलता है 14 वोल्ट, ये भी सही है। लेकिन एसटी को जो ऑन करने वाला वोल्टेज है 110 वोल्ट, वो कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, 16 वोल्ट। तो देखते हैं इसमें, बाकी सप्लाई ठीक ही है, सिर्फ 110 वोल्ट वाला सप्लाई कम है। तो इसमें ज़्यादातर कुछ ख़राब नहीं हो सकता, कैपेसिटर ही ख़राब होगा इसमें। तो देखते हैं इस कैपेसिटर को चेंज करके। देखिए, पिक्चर आ गया। अब सप्लाई चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आ रहा है इसमें। देखिए, 109 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया, सही हो गया हमारा वोल्टेज। तो एक कैपेसिटर खराब था, दिखाइए कैपेसिटर, ये वाला हमारा कैपेसिटर खराब था जो 160 वोल्ट का है, 220 एफडी का है, यूएफ का है। ये वाला कैपेसिटर देखिए, इसका लेक एक टूटा हुआ है। हमारा बोर्ड सही हो गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।